हेलो। हाँ सृष्टि, और बोल। हेलो। हाँ दी, कैसी है? सुन, कल मैं ना तेरे यहाँ आ रही हूँ, और 10-15 दिन के लिए आ रही हूँ इस बार। एक्चुअली इस बार है ना बच्चों की छुट्टियां हैं, तो मैं सोचा इस बार छुट्टियां तेरे यहाँ बिताऊँ। कल 11 तक पहुंच जाऊंगी। नाश्ते में तू जो भी नाश्ता बनाएगी वो तो बनाएगी, उसके साथ फ्रेंच फ्राइज और आलू के चिप्स जरूर बनाना जो घर पे बनाते हैं। मैं नाश्ता बना लूंगी, आलू के चिप्स और फ्रेंच फ्राइज बाहर से मंगा लूंगी। थोड़ा डाइटिंग पे होना, डाइटिंग पे होना। बाहर वाले नहीं खाऊंगी यार, घर वाले बना लूँ। हाँ चल ठीक है, मैं पहुँचती हूँ। चल बाय। ठीक है। हाँ हुआ था। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ की डिमांड की, ऐसी चीज़ बनाने की डिमांड की जो कि आपको थोड़ा मुश्किल लगता है बनाना? तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय एवरीवन, मैं हूं अनुपमा, और आज की वीडियो में शेयर करने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सस्ते 3 किचन प्रोडक्ट जो काफी यूजफुल हो सकते हैं आपके लिए, जो कि आपका टाइम भी बचाएंगे और पैसा भी। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही क्यूट सा ये डाइसर है, और ये मैंने लिया है बुलबुल ऐप से। बुलबुल ऐप एक शॉपिंग ऐप है जिससे कि आप ऑनलाइन सामान खरीद सकते हैं, और काफी मार्केट से आपको काफी सस्ता मिल जाएगा। दूसरी जो शॉपिंग साइट्स वगैरह होती है उनसे काफी सस्ता मिलेगा, और साथ में आपको उसका डेमो जरूर मिलेगा। जैसे कि हम ऑनलाइन सामान खरीदते हैं तो उसमें ये हो जाता है ना कि सिर्फ हमें सामान दिखता है और ये नहीं दिखता कि हम कैसे यूज करें। कुछ इस टाइप की चीजें होती है जिसे हमें पता नहीं होता कैसे यूज करना है, लेकिन ये जो शॉपिंग ऐप है इसमें सारा कुछ बताया गया, तो इसलिए मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने कहा लेके देख ही लेती हूँ। एक्चुअली मैं डाइसर ये काफी दिनों से मैं देख रही थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं एग्जैक्टली इसको कैसे यूज करूंगी, लेकिन मैंने ये देख लिया कि कैसे यूज करना है उस ऐप में। तो अब मैं आपको यूज करके बताती हूँ, बहुत ही यूजफुल है। इसके साथ काफी सारे ब्लेड्स आए हैं, इतनी सारी अटैचमेंट, और सिर्फ मुझे 499 में मिला है बुलबुल ऐप से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इसके साथ, इस डाइसर के साथ कितने सारे अटैचमेंट है, कितनी सारी ब्लेड्स हैं, और ये काफी यूजफुल है। आपका किचन का काम चुटकियों में हो जाएगा, और वो भी बहुत ज्यादा, आपको इसमें कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बता पाऊँ कि ये कैसे यूज करते हैं, लेकिन जो मेन मेन ब्लेड्स हैं उनका बताती हूँ। और सारे ब्लेड्स इसके स्टेनलेस स्टील के हैं, जिसमें जंग वंग लगने का कोई टेंशन नहीं है। और ये जो ग्रेटर है, जो कद्दूकस वाला है, ये भी 2 साइज का है, चिप्स बनाने के लिए है, सैलेड बनाने के लिए है। तो आपका सारा काम चुटकियों में हो जाएगा, और उसके लिए भी आपको कुछ बहुत बड़ा फूड प्रोसेसर या कुछ इस टाइप की चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जैसे इसमें ब्लेड्स वगैरह देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्लेड्स हैं। इसमें आराम से आप फ्रेंच फ्राइज वगैरह बना सकते हैं, या आलू की बड़ी सब्जी बनानी, बड़े आलू की सब्जी बनानी है, बड़े बड़े पीस रख के वो कर सकते हैं। और ये अगर जैसे कि आपको फ्राइड राइस बनाना है या कुछ मैगी वगैरह में डालना है सब्जियाँ वगैरह, तो उसके लिए बारीक वाला और उसे थोड़ा सा बड़े वाला ब्लेड है। और ये बहुत ही हैंडी है ग्रेटर, और साथ में ये आपको लग रहा होगा कपड़े धोने वाला ब्रश, पर ये कपड़े धोने वाला ब्रश नहीं है। ये इसका यूज़ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरे एंड तक देखनी पड़ेगी। और इसको मैं इस तरीके से ओपन कर रही हूँ, और ये देखने में भी बहुत प्यारा है, बहुत हैंडी है, और सबसे बड़ी बात है किचन में ज़्यादा जगह नहीं घेरता, जो कि स्पेस सेविंग भी है। और इसको जैसे मैंने ओपन कर लिया, उसके बाद मैं अटैचमेंट लगा के आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं ये वाला ब्लेड लगा रही हूँ। ब्लेड इस तरह से लगाना है, ये जो ब्लेड्स हैं ये 2 साइड से काम करते हैं। जैसे अगर आपको बड़े साइज की सब्जी काटनी है तो वो वाला लगा लीजिए अंदर की तरफ, जैसे कोई भी सब्जी आप काटेंगे तो इस तरीके से फ्लैट थोड़ा सा करके डालना है। जैसे मैंने प्याज डाला तो मैं बड़े साइज का काट रही हूँ, सिंगल एक प्रेस करना है इसको, और ये प्याज कट के रेडी हो गया। और उसी तरीके से आप दूसरे साइड अगर यूज करना चाहते हैं तो बिल्कुल सीधी सीधी आपका बनेगा। अगर आपको फ्रेंच फ्राइज बनाना हो या कोई इस टाइप की सब्जी बनानी हो तो आप यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद बारीक प्याज काटने के लिए, ये देखिए मैंने ये वाला ब्लेड लगाया, बारीक प्याज काट लिया। तो इसी फ्राइड राइस वगैरह और चीज़ों में जहाँ बारीक प्याज की ज़रूरत है आप काट सकते हैं। टमाटर भी इसी तरीके से आप बारीक काट सकते हैं, बहुत हैंडी है। और इसके साथ फिर आप दूसरी अटैचमेंट लगा सकते हैं। अब मैं आपको ये लगा के बताती हूँ चिप्स बनाने वाला। खैर अभी तो मैं सैलेड बना के बताऊंगी, लेकिन आलू के चिप्स वगैरह आप घर में ही तैयार कर सकते हैं, बाजार से आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। और ये जो हैंडी सा पीलर है ये बहुत ही यूजफुल है, इसे आप कुछ भी छील सकते हैं, आलू छील सकते हैं, खीरा छील सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं नीचे कितनी स्मूथली ये निकल रहा है पीस बन के,
और इस सैलेड आराम से आप चुटकियों में सैलेड बना सकते हैं। और ये दो टाइप का है, एक में थोड़ा सा पतला बनेगा, एक में थोड़ा सा थिक, तो आप चिप्स वगैरह बना सकते हैं। और ये जो कद्दूकस है ये भी दो साइज का है, एक थोड़ा थिक है, जैसे ये रायता वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और इसका यूज़ अब मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे लास्ट में सब्जियाँ इस टाइप से रह जाती है, हाथ कटने का डर रहता है, तो इसको आप इसके ऊपर फिक्स कर सकते हैं। इसमें जो कांटे जैसे लगे हुए हैं उससे सब्जी को अच्छी तरह से पकड़ लेता है, जैसे हाथ नहीं कटता। उसके बाद ये वाला लगा के दिखाती हूँ मैं आपको। और जैसे चाय वाय बनाने के लिए ये जो ग्रेटर ये काफ़ी हैंडी रहेगा, और फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए ये वाला ब्लेड आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से जैसे आलू को लंबे लंबे काटना हो तो चुटकियों का काम है, और सब शेप एक जैसा बनेगा, तो है ना एक कमाल की चीज़। मुझे तो ये काफ़ी पसंद आई, सस्ता सुंदर टिकाऊ और किचन में जगह भी नहीं घेरेगी। और उसके बाद जो दूसरा प्रोडक्ट है ये छोटा सा सीलर है, और ये है तो बहुत ही छोटा, बहुत ही क्यूट सा, लेकिन बहुत ही यूजफुल चीज है, और हर किचन में ये तो होना ही चाहिए, मैजिक सीलर। और इसके पीछे सेल लगती है, ये कुछ इस तरीके से है, इसके पीछे दो सेल लगती है, और इसको आप लगा सकते हैं, और इस तरीके से ये बंद होता है। इसके पीछे मैग्नेट लगा हुआ है, जिसे कि आप इसे फ्रिज पे चिपका सकते हैं, या कहीं और जहां आपका दिल करे वो चिपका सकते हैं। फ्रिज पे चिपकाना सबसे हैंडी रहता है, और हर किचन में एक इस टाइप का सीलर होना ही चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जैसे बच्चे चिप्स वगैरह के पैकेट, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, वैसे ये बंद पैकेट है लेकिन मैं आपके के लिए खोल के दिखा रही हूँ, जैसे चिप्स वगैरह के पैकेट थोड़े बहुत यूज होते हैं, उसके बाद अगर हम उसको रबड़ बैंड लगा दें या ऐसे ही बंद करके रख दें तो चिप्स खराब हो जाते हैं, यूज नहीं आ पाते दोबारा। लेकिन इससे अगर हम सील कर देंगे तो दोबारा हम अच्छी तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। इसको आपको इस तरीके से करना है, इसको यूज करने से पहले 5 सेकंड तक के लिए इसको गर्म करना है, ऐसे करके इसको इससे मिला देंगे तो ये गर्म हो जाएगा, और उसके बाद आपको इसे यूज करना है कुछ इस तरीके से। मैं आपको ऐप में दिखा देती हूँ, जैसे मैंने होम एंड किचन में सेलेक्ट किया, जो मुझे खरीदना है उस सामान पे मैं क्लिक करूंगी तो पूरा का पूरा डेमो आ जाएगा। मैं रचना इस गुडलुक शॉप पर आई हूँ, और प्रोडक्ट का नाम है ये ड्रेनी सीलिंग मशीन। ये प्रोडक्ट बहुत ही फाइन प्लास्टिक से बना है और बहुत ही हैंडी है। इसके पीछे एक मैग्नेट है जो आप फ्रिज के साथ चिपका सकती है, 5 सेकंड के लिए दबाएंगे और ये हीट अप हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा सील करने। ये आप देख सकते हैं पूरा लाइव डेमो है, कोई भी चीज़ यूज़ करने में अगर आपको दिक्कत लगती है तो आप लाइव डेमो देख सकते हैं, उसके बाद परचेज कर सकते हैं। है ना ये कमाल की चीज़ जो हर जगह आपको नहीं मिलेगी। तो है ना ये छोटी सी बहुत ही कमाल की चीज़ जो कि हर किचन में होनी जरूरी है, और ये मुझे सिर्फ 179 का पड़ा है। एक्चुअली मैं किसी वीडियो में अगर कोई सामान दिखाती हूँ तो मैं रेट नहीं बताती हूँ, तो आप लोग बोलते हो रेट नहीं बताते हो, तो इसमें मैं याद से मैंने रखा हुआ है कि रेट जरूर बताना। ये 179 का लिया है मैंने बुलबुल ऐप से, और उस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और कमेंट के ऊपर टॉप कमेंट में दे दूंगी, आप चाहे तो डाउनलोड करके वहां से जो आप चाहे परचेज कर सकते हैं। तो ये 179 का बहुत ही सस्ता सुंदर टिकाऊ चीज लगी मुझे। मेरा थर्ड प्रोडक्ट और सबसे लास्ट प्रोडक्ट ये है रिवॉल्विंग स्पाइस रैक, और ये किचन के लिए काफी यूजफुल है, लेकिन किचन से ज्यादा ये आपके डाइनिंग टेबल के लिए यूजफुल है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो अगर बड़ी फैमिली है, बड़ी क्या छोटी फैमिली है, उसमें बच्चे डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं खाना खाने, उसके बाद कभी नमक मांगते हैं, कभी चाट मसाला, कभी सौंफ, कभी कुछ मांगते हैं, तो उसके लिए आपको बार बार उठ के जाना नहीं पड़ता, किचन से भाग भाग के जाना नहीं पड़ता। और ये आप रख देंगे, और ये रिवॉल्विंग है, ये इस तरीके से घूमता है, और मैं आपको इसको डिटेल में दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सस्ता है, ये भी मैंने बुलबुल ऐप से लिया है। और अगर आपके पास जैसे डाइनिंग टेबल नहीं है तो जहाँ आप खाना खाते हैं वहाँ पे आप रख सकते हैं, तो उससे ये होगा कि जो भी चीज आपको चाहिए एक जगह पे मिल जाएगी। आप चाहे तो इसको अगर स्पाइस रखना चाहे तो स्पाइस रख सकते हैं, जो खाने के टाइम में जो मसाले चाहिए होते हैं, नमक वगैरह ये सब, नहीं तो आप चाहे तो इसमें अचार वगैरह भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक का है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ट्रांसपेरेंट है, तो जो भी चीज रहेगी इसके अंदर आपको इजिली विजिबल होगी, ये इस टाइप का है और ये काफी यूजफुल है। और ये देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी के प्लास्टिक से बना है, और इसको बंद करना खोलना बहुत ईजी है, और सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादा जगह नहीं घेरता, और आपको हर एक चीज़ के लिए अलग अलग डब्बों की ज़रूरत नहीं है कि अलग अलग से आप डब्बे लेके आएंगे। और डाइनिंग टेबल पे आप इसे रख देंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, एटलीस्ट 6 चीज़ें तो आप एक साथ रख ही सकते हैं। अभी जो मुझे समझ आया मैंने रख दिया, चाट मसाला, मिर्च पाउडर, नमक, चीनी, जो कि ज़रूरत पड़ती रहती है, और आप इसे किचन में भी रख सकते हैं, जब भी खाना खाने बैठे तो आप इसको लेके आराम से यूज कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये।
इस वीडियो में मैंने जो भी किचन प्रोडक्ट दिखाए हैं, जो भी तीन चीजें दिखाई हैं, वो काफी यूजफुल हैं और आई थिंक आपके लिए भी काफी यूजफुल होगी। और इनका बाइंग लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं बुलबुल ऐप, वहां से परचेज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।